हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड इंटर का रिज़ल्ट जो था आज से कुछ दिन पहले जारी किया गया था। अगर आपका किसी भी कारणवश आपने इंटर का एग्ज़ाम दिया था और आपका किसी भी कारणवश आप पास नहीं हो पाए हैं, इंटर का रिज़ल्ट जो है उसमें आपके नंबर अच्छे नहीं, यानी आप फेल हो चुके हैं, तो बिहार बोर्ड ने एक और मौका दिया है जिससे आपका बैक साल बैक ना हो और आप उन्हीं सब के साथ अगले कोर्स में एडमिशन लेने के लिए अवेलेबल हो जाए। तो वो मौका क्या है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हर साल एग्ज़ाम होती है जिसका नाम है कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम, चाहे विशेष परीक्षा। वो उन लोगों के लिए होती है जो किसी भी कारणवश फेल हो जाते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो वो क्या है, इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सभी पात्र विद्यार्थियों का ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट, यानी ये वेबसाइट दिया गया है, इस पे जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अगर आप फेल हो गए और आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे जाकर आप 23/3/2023 से 27/3/2023 तक, इन 23 कल था, कल से यानी ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, 27 तक लास्ट डेट है, यहाँ जाकर आप अपना फॉर्म फिल कर देंगे। अगर आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो अगर इस तरीके से आप एग्ज़ाम नहीं देना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देंगे अच्छे से तैयारी करके, तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसका अपना साल ख़राब नहीं करना चाहते हैं तो ये एग्ज़ाम आप दे दीजिएगा, इससे आप उन सब के साथ होंगे। इनमें कोई मसला नहीं होता है कि उनका ज़्यादा वैल्यू होगा आपका कम वैल्यू होगा, दोनों सेम ही रहता है, ठीक है। अब इनमें क्या क्या करना है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, तो ये यहाँ दिया हुआ दिख रहा होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले लॉगिन कर लेना है, उसके बाद फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट है, पेमेंट है, पेमेंट वेरिफिकेशन है, स्टूडेंट लिस्ट या फील्ड फॉर्म ऑफ स्टूडेंट, या उसके बाद लॉग आउट कर देना है, यानी। और इसके बाद नीचे दिए हुआ है, ऑनलाइन फॉर्म भरने या परीक्षा शुल्क जमा करने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर आप इस हेल्पलाइन नंबर का भी सहारा ले सकते हैं। और किस तरह से फॉर्म फिल करना है मैं इसके बाद जस्ट एक नेक्स्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा, उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, तो ठीक है। अगर आपने इंटर का एग्ज़ाम पास नहीं किया है तो ये मौका है आपके लिए, कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर आप ईयर बैक होने से बच सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।